हेलो गाइस, मैं हूँ यूवी गेमर और फाइनली कंफर्म हो चुका है कि 3.0 में कौन सा बैनर आने वाला है। और हमारे पास फर्स्ट बैनर में है जोंगली, तिग्नारी एंड कोले। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं जोंगली की। जैसे कि हमने जेंशन इम्पैक्ट में अब तक हमने 3 आर्चन गॉड देख चुके हैं, तो जोंगली भी उसमें से एक है। और जोंगली अगर आपको लेना है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसे ले लेना 3.0 में। और जोंगली 5-स्टार कैरेक्टर है। जोंगली पॉलेम टाइप का वेपन यूज़ करता है और जोंगली जियो टाइप का एलिमेंट यूज़ करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है तिग्नरी। तिग्नरी वर्जन 3.0 में फर्स्ट 5-स्टार डेंड्रो कैरेक्टर होने वाला है। जैसे कि हम लोग अभी तक खेल रहे हैं, एक भी डेंड्रो कैरेक्टर नहीं था प्लेबल जिससे हम लोग खेल सकते हैं। तो अगर तुम्हें मिलता है तो सबसे अच्छा मतलब होगा कि तुम्हारे पास एक डेंड्रो कैरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोले। कोले एक फीमेल डेंड्रो टाइप कैरेक्टर है और ये 4-स्टार कैरेक्टर होने वाली है, फर्स्ट डेंड्रो कैरेक्टर जो कि 4-स्टार में है। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आपको अगर 4-स्टार में, अगर 5-स्टार में अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको 4-स्टार में ले सकते हो एक डेंड्रो कैरेक्टर। बट ये भी एक बो टाइप कैरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं फेज 2 की। फेज 2 पर आपको 3 कैरेक्टर दिखेंगे, गैन्यू, कोकोमी एंड डोरी। गैन्यू एक 5-स्टार कैरेक्टर है और ये कायरो एलिमेंट यूज़ करती है। ये भी बो टाइप की कैरेक्टर है और ये पूरे जेंशन इम्पैक्ट में बो कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाली कैरेक्टर भी है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसे ले सको। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है कोकोमी। कोकोमी एक 5-स्टार कैरेक्टर है और ये वेपन में कैटालिस्ट वेपन यूज़ करती है और ये हाइड्रो एलिमेंट यूज़ करती है। और इसे लेना हो तो यार तुम ले सकते हो। और ये हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट मतलब एक 5-स्टार कैरेक्टर है, सबसे बेस्ट हीलिंग में है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है डोरी। डोरी एक 4-स्टार कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रो एलिमेंट यूज़ करती है और ये वेपन में क्लेमोर टाइप वेपन यूज़ करती है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कैटलिस्ट यूज़ करती होगी, बट ये क्लेमोर यूज़ करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जाते जाते एक लाइक बटन दबा दो।